जो निशा को ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसको वजह से पानी चढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को नए ब्लॉग में। दोस्तों तो आज निशा का कंडीशन बहुत गंभीर है दोस्तों, और देखिए अभी डॉक्टर साहब बाहर से लिखे हैं दवाई, तो ये मतलब लाने के लिए बोले हैं, निशा के लिए है, ये लेके जा रहा हूँ देने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों कि हम जा रहे हैं मिठाई लाने के लिए, और मतलब छेना लाने के लिए, डॉक्टर बोला है खाने के लिए छेना निशा को। तो हम बाज़ार आए हुए हैं, चंडी बाज़ार आए हुए हैं दोस्तों, तो मतलब उसको मतलब पेट में मतलब अंदर से मतलब दम नहीं मिल रहा दोस्तों, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, बहुत तड़प रही है दोस्तों, इसलिए हम जा रहे हैं मिठाई अभी छेना लाने के लिए, कच्चा छेना। देख सकते हैं कि हम बाज़ार में आए हुए हैं, कच्चा छेना है जी, लाओ तो पाँच को दो ना। तो दोस्तों हमने कच्चा छेना ले ली है, पाँच ठो पैक करवा ली है देखिए, और हम जा रहे हैं, चल रहे पैदल जा रहे हैं तो, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं है ना, गाड़ी उड़ी का साधन नहीं है, यहाँ पे कुछ ही दूरी में है, आधा किलोमीटर दूरी में है। तो चलिए दोस्तों आप सभी से हॉस्पिटल में जाके मिलते हैं आप सभी से दोस्तों, है ना, अब जाके देखते हैं कि क्या गंभीर स्थिति है निशा का, कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों हम छेना लेके आए हैं निशा के लिए, तो देख रहे हैं कि यहाँ पूरा तड़प रही है दर्द से पूरा एकदम, क्या करें दोस्तों, निशा का दर्द हमसे देखा नहीं जा रहा दोस्तों, देख सकते हैं इतना ज़्यादा तड़प रही है अंदर से, मेरे को भी रोना आ रहा है देख के दोस्तों। अच्छा रुक जाओ बेटा, दे रहे हो जाएगा दर्द तेज, तो तुरंत भर्ती देगी ना, ये होगा तो फिर करते रहना पड़ेगा। निशा को दर्द बढ़ता जा रहा है दोस्तों, अभी दर्द होगा कि नहीं होगा, उठेगा कि नहीं उठेगा, कोई नहीं जानता दोस्तों। दवा तो लगा दी है डॉक्टर, बोली एक दर्द हो जाएगा एकदम पूरा जोर से, तो जाके आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है निशा को दोस्तों, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है एकदम। टहल ही ना रे, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अब हम जा रहे हैं चाय लाने के लिए, डॉक्टर साहब बोले हैं कि चाय ला के दीजिए, दर्द बहुत ज़्यादा जोर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा जोर है दर्द दोस्तों निशा को, इसलिए बोले थोड़ा चाय पिएगी गरम गरम ना, तो थोड़ा दर्द कम है, थोड़ा स्लो रहेगा दोस्तों, इसलिए चाय बोले लाने के लिए, चाय लाने जा रहे हैं, लेके गिलास लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम चाय दुकान में आ गए हैं, और चाय वाले बैठे हुए हैं उधर, भैया चाय बना रहे हैं, चाय बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए हम चाय लेके आ चुके हैं, अब चलते हैं अंदर देने के लिए दोस्तों, अंदर में मतलब मोबाइल वाल चलाने नहीं देते दोस्तों, तुरंत गाली गलम करने लगती है नर्स लोग, हाँ अंदर गाली गलम करने लगती है, और देखिए मेरा भाई है, हाँ तो बोलने लगता है वीडियो। तो दोस्तों एक बड़ी बुरी खबर है दोस्तों, क्या कहना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दोस्तों, उसकी वजह से पानी चढ़ाना पड़ रहा है, शरीर में बहुत पानी कम है दोस्तों, बहुत कम, इसलिए पानी चढ़ाया जा रहा है दोस्तों। कम से 10-12 तो सुइया भुका गया हुआ दोस्तों, सुई भुका गया हुआ था 10-12 दोस्तों, अब शाम ढल गया है दोस्तों, देखिए अभी तलक नहीं हुआ कुछ, अभी तलक दर्द से एकदम छटपटा रही होगी निशा, समझे दोस्तों, अब क्या होगा कोई नहीं जान सकता दोस्तों, क्या करें क्या करें, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा दोस्तों कि हम क्या करें इस समय, एक तो डर भी लग रहा है और एक तरह खुशी भी है दोस्तों कि बाप बनने की, वो तो बाप बने हुए दोस्तों, लेकिन दोबारा बाप बनेंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों
एक तरह डर भी है, एक तरह खुशी भी है दोस्तों कि हम और खुशी मतलब कि नॉर्मल से हो जाता है, बढ़िया से अच्छा से हो जाता है। तो सही है दोस्तों, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो क्या होगा। मेरे साथ साथ में कोई है भी नहीं, बस एक मामी आई है, उसी की निशा की मामी आई है। तो दोस्तों जानते हैं कि वही मतलब अब कैसे कैसे क्या होगा समझ में नहीं आता है। अब डॉक्टर साहब बोल दिए कि पानी चढ़ेगी, पानी चढ़ रहा। तो अभी देखिए 2 से 3 बोतल चढ़ चुका है, अब चौथा बोतल चढ़ रहा है। अभी पानी शरीर में भी पानी कम, मतलब खाती भी नहीं था ना दोस्तों, कितना भी हम डांटते रहते थे खाओ खाओ खाओ, खाती नहीं थी, बहुत कम खाना खाती थी दोस्तों। तो क्या करें समझ में नहीं आता, उनको तो अंदर से पूरा रोना आ रहा दोस्तों, क्या करें। देखिए क्या होगा कुछ नहीं जानता, अभी भी ऑपरेशन ही रूम में है निशा, जब से तड़प रही। हम अभी सुबह 10 बजे से अंदर गई है, उसके बाद से हम उससे मिले नहीं हैं दोस्तों। अब कोशिश करेंगे मिलने का दोस्तों, है ना। तो आप सभी को दिखाते हैं, कोशिश करेंगे, देखते हैं राग मरते जाकर, जाने घुसने नहीं देते ना नर्स लोग, घुसने नहीं देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा हम चीज़ दिखाना चाहते हैं, यहाँ का अस्पताल का सीन इस तरह से है कुछ। इधर देखिए शौचालय है 2-3, और इधर दवाई भंडार, और इधर सारे मतलब पेशेंट का मतलब रूम है दोस्तों, इस तरह से है कुछ, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए रात हो चुका है और कुछ गुड न्यूज आया है दोस्तों, और मतलब डिलीवरी हो चुका है दोस्तों, नॉर्मल से हो चुका है, है ना, एकदम नॉर्मल हो चुका है, और दोनों मतलब ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों गुड न्यूज है, और कि मतलब कि यहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे हैं सब कुछ नॉर्मल हो चुका है दोस्तों, और खुशी की बात है सब कुछ नॉर्मल से हो गया दोस्तों, है ना। तो वो सब आप सभी को दूसरे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएँगे दोस्तों, क्योंकि अभी रात हो चुका है दोस्तों, पूरा अंधेरा हो गया देखिए। तो दोस्तों अंधेरा हो गया, अब यहाँ से मतलब डॉक्टर बोले ले जा सकते हैं, तो बोले कि डिस्चार्ज करना है, तो हम बोले ठीक है डिस्चार्ज कर दीजिए, तो चलते हैं अब घर। तो दोस्तों अभी यहाँ से जाएंगे कोयला माए, मतलब उसके नानी घर जाएंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है वहाँ जाने के लिए। वो सब आपको दूसरे वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा दोस्तों, है ना। तो इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, है ना। तो खुशी भी है और अंदर से पूरा एकदम खुशी है दोस्तों कि सब कुछ नॉर्मल से हो चुका है दोस्तों, है ना। तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है दोस्तों, है ना। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, है ना, और शेयर करना ना भूलें, आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं, गुड नाइट।